और मेडिपीडिया के सपोर्ट से हमने यहाँ एडमिशन लिया है। थैंक यू मेडिपीडिया टीम। मैंने जो जैसा बोला वैसा ही पूरा फॉलो हो गया है और अभी एडमिशन हो गई, इसलिए मैं थैंक्स टू मेडिपीडिया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिपीडिया। माय नेम इज पूर्णिमा गुप्ता। आज मेरे साथ हैं तीन पेरेंट्स महाराष्ट्र से, जिन्होंने एडमिशन लिया है कॉम्स मेडिकल कॉलेज में, जो कि भरतपुर में सिचुएटेड है, नेपाल में। तो आइए इनसे जानते हैं कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो फ्यूचर स्टूडेंट्स को भी हेल्प करेंगे, ताकि उनको राइट गाइडेंस मिले और अबाउट द कॉलेज, अबाउट द गाइडेंस दे शुड टेक फ्रॉम इंडिया, सो दैट वो अपना एक वाइज डिसीजन ले सकें। तो आइए इनसे बात करते हैं। सर, आप लोग कहाँ से हैं महाराष्ट्र में, अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं विद योर नेम। सर, आई एम डॉक्टर कुतार फ्रॉम अहमदनगर महाराष्ट्र। आप सर? आई एम मोरे शाहजी फ्रॉम महाराष्ट्र अहमदनगर। आई एम डॉक्टर डी एन पोपलगट, डिस्ट्रिक्ट हिंगोली महाराष्ट्र। अगर आप देखें तो पहले तो ये सब डॉक्टर्स की फैमिली हैं, फिर भी इन्होंने गाइडेंस लेने का सोचा। ऐसा नहीं है कि इनको नॉलेज नहीं होगी, बट ये हर कोई जानता है कि अगर हम गाइडेंस लेते हैं तो हमें एक सपोर्ट सिस्टम ऐसा स्ट्रांग मिल जाता है कि वहाँ पे हमें गलती के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। तो सर, आप अपना अगर एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करना चाहें, आप मेडिपीडिया से कैसे कॉन्टैक्ट में आए और कैसे आपने चूज़ किया कि आपको कॉम्स मेडिकल कॉलेज ही लेना है? हमारे बच्चे को MBBS में एडमिशन लेना था। हमने यूट्यूब में मेडिपीडिया के बारे में बहुत देखा और आखिरी बार दिया कि मेडिपीडिया से ही हमारे बच्चे का एडमिशन हो जाए, और मेडिपीडिया ने पूरे सपोर्ट कर दिया। पहली बार उसने बोला कि आप वहाँ नेपाल जाकर देखिए, आप अच्छा लगा तो फिर एडमिशन दीजिए। यहाँ आने के बाद, नेपाल में आने के बाद भी मेडिपीडिया की टीम हमारे साथ थी। सब कॉलेज हमने ढूंढे और हमारे बजट के और कॉलेज के क्वालिटी के बारे में हमें ये कॉम्स अच्छा लगा, और मेडिपीडिया के सपोर्ट से हमने यहाँ एडमिशन लिया है। थैंक यू मेडिपीडिया टीम। थैंक यू सो मच सर। सर, आपको यहाँ पे जैसे हमारा सपोर्ट सिस्टम, आप लुम्बिनी भी गए, KMC कॉलेज भी गए, फिर आप चितवन भी गए, फिर आप कॉम्स आए, पूरा आपने घूमा पालपा से लेके काठमांडू, और कैसा आपको लगा सपोर्ट सिस्टम और सारी चीज़ें? आपको ट्रांसपेरेंट लगी एकदम? बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो सर, आपने जैसे फाइनली कॉम्स कॉलेज चुना, क्या रीज़न रहा कि आपने इतने सारे कॉलेजेस देखने के बाद भी आपको लगा कि यू शुड गो विद कॉम्स? कॉम्स वैसे देखने गए तो टोटल इंडियन कॉलेज है, इंडियन मैनेजमेंट है इधर, 50% सीट इंडियन बच्चे के लिए है। यहाँ का खाना हमें इंडियन के हिसाब से मिलता है, पेशेंट फ्लो, हॉस्पिटल फ्लो इतना सही है, जो हमको दूसरे कॉलेज में कहीं पे भी देखने को नहीं मिला। तो हमको लगा कि यही कॉलेज है कि आपका हमारे बच्चे कुछ सीख सके, इसीलिए हम यहाँ पे कॉम्स प्रेफर किया है। सर, आपको जैसे आपने मेरे से बहुत लास्ट में बात किया, और आप शायद इनकी लोकेशन से डिफरेंट भी हैं, कैसे आपने ट्रस्ट किया कि आपको मेडिपीडिया के थ्रू जाना चाहिए और फिर आपको कॉम्स कॉलेज लेना जब चाहिए? जब मैंने आपसे बात की तो मेरे को थोड़ा सा आपको भरोसा लगा, इसके वजह से मैंने आप पे ट्रस्ट करके मैंने पूरा आप पे ये लिया, और जो जैसा बोला वैसा पूरा सहयोग मिला हमसे, इसलिए मैंने आप पे विश्वास रख के यहाँ पे एडमिशन किया। मैंने जो जैसा बोला वैसा पूरा फॉलो हो गया है और अभी एडमिशन हो गई, इसलिए मैं थैंक्स टू मेडिपीडिया। थैंक यू सो मच सर। आपका सबका हार्दिक, आपका क्या बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर जो आपके जूनियर्स आएंगे उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि उनको नेपाल से MBBS करने का चॉइस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और उनको क्या गाइडेंस लेनी चाहिए या डायरेक्टली एडमिशन लेना चाहिए? यहाँ पे तो कॉलेज बहुत अच्छा है, पेशेंट फ्लो इतना वास्ट है कि देख भी सकते हैं आप, पेशेंट फ्लो इतना बढ़िया ही, और इंडियन में इंडियन फूड भी अच्छे से मिलता है, और स्टाफ भी इतने फ्रेंडली है, सब फ्रेंडली है सब। तो आप देखेंगे बच्चों ने पूरा यहाँ पे डिस्क्राइब किया कि यहाँ पे पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट इंडियन है, फूड बहुत अच्छा है। तो एक स्टूडेंट को जो चाहिए होता है, यही एक मेन चीज़ें होती हैं कि खाना अच्छा होना चाहिए, उनकी सेफ्टी होनी चाहिए, सारी चीज़ें उनको ट्रांसपेरेंट मिलनी चाहिए, प्लस उनको फूड अच्छा मिले। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कॉम्स मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको यहाँ पर मिलती है। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर ट्रस्टिंग अस, और फ्यूचर में भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम आपके सपोर्ट में पूरे 5 ईयर्स आपके साथ हैं। कभी भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हमारी लोकल टीम है, तो आप हमेशा निश्चिंत रह सकते हैं। थैंक यू मेडिपीडिया। थैंक यू सो मच।